मैंने आज बनाया है खाना। सॉरी गुलाब जामुन। ये बम से परेशान हो रहे गाइस, इधर उधर भाग रहे काफी देर से। क्योंकि ये जब हम घी डालते हैं ना या तेल डालते हैं इसमें तो सारा ये सोख लेते हैं अपने अंदर, पी जाते हैं ये, इसीलिए पानी में पहले डिप करके रख लेते हैं। सारी मिट्टी जो होती है ना पहले पानी को सोख लेती है, भर जाती है ना, उसके बाद फिर ये तेल ऐसे कैसे रहते हैं इसमें ज्यादा देर तक जलते हैं। इसमें तो तेल डाला है, पानी डाला है इसलिए कि पानी से पहले पूरे भर जाएंगे, पानी सोख ले इनको। और सृष्टि ने गाइस देखो आज पिंक पहना है, रेडी हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो आज जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 4:20 पे आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ की सफाई में इधर उधर और ऐसे कामों में बिजी थे। आज मेरी मोहतरमा लगी हुई थी साफ सफाई में सुबह से, और मैंने आज बनाया है खाना और ये बनाई है तंदूरी रोटी। अरे वाह थोड़ी सी जल गई है ऊपर वाली। तंदूरी रोटी का मजा लेते हैं गैस। अच्छा और बनाई है गाइस आलू गोभी की सब्जी, जो कि पहले मैंने सब्जी बनाई और फिर उसके बाद फटाफट से चपाती बनाई, तो एक घंटे के अंदर बन गया मेरा खाना, जल्दी बन गया, एक घंटे से पहले बन गया। और लंच सिर्फ आटा गूंदा हुआ रखा था और सब्जी कटी हुई रखी थी, मतलब गोभी कटी हुई रखी। बस चलो गाइस लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और सृष्टि अभी गोपाल आया था फ्लावर वगैरह लेके, उससे मंगवाए थे पूजा के लिए, तो वो उसके साथ चली गई, कह रही मैं चाचू के साथ चली जाऊं दादी के घर। मैं कहा ठीक है बेटा जा तू मौज कर। तो गाइस लंच तो हो चुका है और अभी सफाई थोड़ी बहुत बाकी है, तो इमलता जो थोड़ी बहुत सफाई है वो कर रही है, और इतने में करता हूँ मंदिर की सफाई, और यहाँ पर लगानी है लड़ी, तो देखते हैं अभी तो पोछा लग जाएगा, इतने वो पोछा लगा रही है, तो मैं मंदिर की सफाई करता हूँ तब तक। पंगे लेती है ये पंगे में से। मैं अभी मंदिर साफ कर रहा हूँ, पंगे ले रही है, पानी डाल रही है मेरे पीछे से। जब मैं पंगे लूंगा ना हाँ। फिर मुंह ऐसे हो जाएगा, दोनों साइड गोलगप्पे भर जाएंगे। सॉरी गुलाब जामुन। अभी बताता हूँ, मैं पहले मंदिर साफ कर लू। तो गाइस मेरी मंदिर की सफाई हो गई है बिल्कुल, भगवान जी को स्नान करा दिया है, गंगा जल से पवित्र कर दिया है एकदम। पवित्र तो ऑलरेडी है पर मैंने और पवित्र कर दिया उनको नहला के, और मंदिर हो गया बिल्कुल एकदम चकाचक साफ। बस अब मुझे यहाँ पर लाइटें लगानी है और कुछ और लीव्स है मेरे पास क्राफ्ट में, वो लगाता हूँ। चलो दे दो। एक तो वो, एक वो खा रहा है अमरूद, एक इनको अमरूद दे दिया, एक वो उधर बैठा है, पता नहीं वो लेगा या नहीं, किसको मिलेगा। गया तो वहाँ के फेंक रहे अंकल के घर पे आगे। अरे वो बैठा है ना एक बंदर ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ दिख गया मेरे को, वो बैठा हुआ है ना। कितने प्यार से खा रहा है, देखो ये गाड़ी भी, ये बम से परेशान हो रहे गाइस, इधर उधर भाग रहे काफी देर से घूम रहे डंडा लेके।
तो गाइज मेरी डेकोरेशन हो चुकी है मंदिर की सफाई के बाद, जैसे मैंने डेकोरेशन स्टार्ट की थी और मैंने लीव भी लगा दी है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो पेटल्स, ये आर्टिफिशियल लीव्स हैं। गेंदे के जो फ्लावर्स है ना गाइज, वो मैंने टेप से सारे टेपिंग से बीच बीच में सेंटर में लगा दिए और ये मंदिर पे भी लगा दिए। तो ये सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलो आप इसके लाइट ऑन करते हैं। गाइज हैप्पी दिवाली अगेन एंड अगेन। सो आज गाइज जैसे कि छोटी दिवाली है, अभी वैसे टाइम हो गया है 7:09, अब हम निकल रहे हैं। सामने वाली आंटी को हम दे रहे हैं दिवाली की मतलब दिवाली की मिठाई, और पूजा भी हमारी हो चुकी है जैसे कि आप लोगों ने क्लिप देखी ली होगी। और सृष्टि तो पहले से ही अपनी दादी के घर पे है, तो हम तीन ही बचे थे बस, तो हम जा रहे हैं। बस हमारी पैकिंग ही हो रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम जा रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए वहीं पर ही। दिवाली फिर बीच में एक दिन का गैप हो गया, उसके बाद गोवर्धन है, नहीं तो दिवाली के एक मतलब सेकंड डे नेक्स्ट डे ही गोवर्धन पूजा होती है, और गैप के बाद फिर तीसरे दिन गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है। तो भाई दूज वाले दिन आएंगे हम यहाँ पर शाम को, मतलब भाई दूज वगैरह करके उसके नेक्स्ट डे से सिस्टर का स्कूल है और फिर मुझे भी बैक टू वर्क करना है। खैर मेरा काम तो चलता रहेगा, मैं यहाँ पे भी आ जाऊंगा, जब मुझे काम होगा मैं आ जाऊंगा। वैसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, काम तो करना ही है क्योंकि साथ के साथ फेस्टिवल भी करना है और काम भी करना है। सिर्फ दिवाली और गोवर्धन पूजा ये इसमें बीच बीच में मेरा काम चलता रहेगा। वीडियो वगैरह काम तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, और जो मेरा आर्ट प्रोजेक्ट का काम है उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो चलो अभी चल रहे हैं सीधा, अभी जाना है मेरी ससुराल स्वीट्स देने के लिए, वहाँ पे भी देना जरूरी है। बस स्वीट्स देके फिर हम पहुंचेंगे सीधा घर पे, फिर लेट हो ही जाएंगे, अब वही हमें पहुंचने में 11-12 तो बज जाएंगे घर पर। तो खाना वाना तो डिनर तो हम करेंगे नहीं, वैसे कि हमने लंच लेट किया है तो भूख है नहीं, और आंटी के पास गए थे तो उन्होंने चाय और स्नैक्स कुछ खा लिया, बस पेट फुल ही लग रहा है अभी, टमी अभी भूख लग नहीं रही, लगेगी तो फिर देख लेंगे। हम तो रात के राजा हैं, कभी भी कुछ भी करके खा सकते हैं, बना के खा लेंगे। सही बात, मैगी वैगी जिंदाबाद। सही बात। इधर पैकिंग हो रही है इसकी, बैंगल्स वगैरह रख रही है। और देखो हमने इस बार बेडशीट भी गाइस चेंज कर दी है, इस बार हमने ये न्यू बेडशीट, ये हमारी शादी में गिफ्ट में मिली थी, ये वाली बेडशीट लगाई है। पहली बार व्हाइट बेडशीट के अलावा कोई दूसरी बेडशीट का कलर आया है बस, और कर्टन लगने बाकी है, बाकी ओवरऑल सारी सब कुछ सफाई हो चुकी है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हो चुका है। टच वुड, ऐसे होता है। अब मेरा एक ही हाथ है ना। पर्दे ड्राई क्लीन होके आ चुके हैं, पर्दे रखे हुए हैं। अरे बैठ जाओ, देर हो रही है, आ जाओ। अरे आ जाओ सच में आ जाओ। अब तो बैठ गए। तो उतर भी जाऊंगी, चाबी मेरे पास है, चले जाना। अच्छा, और हम निकल चुके हैं, और देखो पूरा पीछे पूरा पैक हो चुका है, निक्कू पैक हो गया है। सिस्टी होती तो सच में जगह नहीं होती। चारों तरफ लाइटिंग देख के ना इतना मजा आ रहा है ना सच में। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, सीधा मिलते हैं आपको घर पर, ठीक है। गलती होती है, गाइज हम पहुंच गए हैं अपनी ससुराल, मतलब मेरी ससुराल, अपनी नहीं, मेरी ये अपनी माई के पहुंच गए हैं। सोने के टाइम पे हम, सब बेटे मम्मी सो रही है, पापा भी सो रहे हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, सो रहे हैं। हाँ तो अभी अब चलो गाइस हम जा रहे हैं, बाय बाबा जी, बाय। तो गाइस दिवाली की स्वीट्स हमने दे दी हैं, और टाइम तो लेट हो गया है, तो अब सीधा आपको सुबह मिलते हैं और सीधा घर पे पहुंचते हैं।
वहाँ का पहले माहौल देखते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद फिर बता देंगे आपको। टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहे हैं, सब सो ही रहे होंगे तो इसलिए सीधा सुबह ही मिलते हैं आपको।